पसंद में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरजे ईरा और आज के एंटरटेनमेंट से भरे परिपूर्ण प्रोग्राम में हम बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं वर्ल्ड करी फेस्टिवल की। वर्ल्ड करी फेस्टिवल में इस ठंडी के मौसम में लोगों ने गर्मा गर्म करी का आस्वाद लिया और यह वर्ल्ड करी फेस्टिवल लास्ट वीक मतलब कि शुक्रवार 13 जुलाई से 15 जुलाई तक चला और लोगों ने इस ठंडी के मौसम में मतलब कि शुक्रवार 13 जुलाई से 15 जुलाई तक बहुत सारी गर्मा गर्म करी का आस्वाद लिया, आनंद लिया और इसमें एक चिली कॉम्पिटिशन भी रखी गई थी और उम्मीद है आपको आपने भी इसका मज़ा लिया होगा। आप भी वहां पे जाके पहुंचे होंगे, आपने भी वह आनंद लिया होगा और आपको भी भरपूर मज़ा आया होगा। और 14 जुलाई को लोगों ने आनंद लिया फ्लोरी हिंदू टेंपल में आयोजित पूरी के जगन्नाथ रथ यात्रा का जो आयोजन किया गया था उसका। और इस साल भी बहुत सारी ठंड होने के बावजूद भी और माइनस टेम्परेचर होने के बावजूद भी लोगों ने सुबह उठकर जल्दी से तैयारियां कर इस रथ यात्रा में भाग लिया और भोजन प्रसाद का भी आनंद लिया। चलिए अब बात करते हैं, ये तो सब हुआ लास्ट वीक के बारे में, तो ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन चलिए अब बात करते हैं इस वीक में क्या होने जा रहा है। इस वीक में आपके लिए मैं क्या क्या प्रोग्राम ले आई हूँ, इस सारी बातें आज हम करेंगे। तो आपको बता दूँ, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद और मैं हूँ आपकी आरजे ईरा और मैं लगा रही हूँ पूरा तड़का। तो आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के। चलिए आज के दिन के विशेष के बारे में अगर हम बात करें तो आज है कलयुग विक्रम संवत 2075, शक संवत 1940 और आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की तिथि पंचमी और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से दिनांक बनती है 17 जुलाई 2018। ये तो हुई दिन की जानकारी। अब देखते हैं मौसम का हाल। तो मौसम का हाल तो आपको पता ही है कि क्या है। मौसम का हाल ऐसे है कि वैसे तो मौसम सभी जगह बहुत ठंड ही ठंड पड़ चुकी है और आप तो ऑलरेडी आपकी जो रज़ाई है वो ओढ़कर और चाय पीकर और शायद आपने खाना भी खा लिया होगा और आपको तो क्योंकि आप आके बैठ गए और 7 बजे हमारा प्रोग्राम आता है जो आपको बहुत पसंद है और आज के प्रोग्राम में हम बहुत सारी बातें भी करने वाले हैं, लेकिन आप हम सुनते हैं कुछ मौसम का हाल। तो मौसम का हाल तो विंटर होने के कारण टेम्परेचर गिरता ही जा रहा है और जब ये ठंड जैसे बढ़ती जाती है तो आप तो देखते ही होंगे कि आपकी गाड़ी की विंडोज़ पे या बाहर भी या पेड़ पर भी फ्रॉस्ट, बड़ी बड़ी फ्रॉस्ट जमी है। तो कैसे लगता है आपको ये टेम्परेचर, आपको मज़ा आता है या नहीं मज़ा आता, ये भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे स्टूडियो का नंबर है 6287-4348। जी हाँ, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ बातें कर सकते हैं और आपको ये ठंडी के मौसम की जानकारी भी हमें आप दे सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं और इसी तरह ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे 20 साल बाद फ्रांस में जो विश्व वर्ल्ड कप जो मैच हुआ और फ्रांस ने जो विश्व वर्ल्ड कप फुटबॉल में जो फ्रांस बादशाह बना है उसके बारे में हम बात करते हैं। फाइनल में फ्रांस ने क्रोएशिया को गोल करने से रोक दिया और चमचमाती जीत जिस प्रकार से हासिल की है वो काबिले तारीफ है। 18 मिनट में क्रोएशिया के सेल्फ गोल से फ्रांस को बढ़त मिली थी और इतने दिनों से इस फुटबॉल वर्ल्ड कप के पीछे जो दुनिया पागल होकर भाग रही थी उस सारी दुनिया की धड़कन
फ्रांस ने फिर एक बार रोक दी और विश्व कप में अपना मुकाम हासिल कर लिया। फ्रांस ने रविवार को मॉस्को के लुजिंकनी स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप के 21वें संस्करण में अपनी बादशाहत साबित कर ली। फ्रांस ने फाइनल में क्रोशिया को 4-2 से पराजित किया। उसका ये दूसरा विश्व वर्ल्ड कप खिताब है। क्या आपको ये पता है, फ्रांस 1998 में पहली बार अपने घर में यानी कि खुद फ्रांस में ही जब विश्व वर्ल्ड कप खेला गया था तो उसमें उसने जीत हासिल की थी। इसके बाद 2006 में फाइनल में फ्रांस ने जगह बना ही ली थी, लेकिन फ्रांस इटली से हार गई। पिछली बार जब फ्रांस ने खिताब जीता था तब डिडियर डेशाम्स टीम के जो कप्तान थे वो अभी इस फ्रांस की टीम के कोच बन गए हैं। वह खिलाड़ी और मैनेजर के तौर पर खिताब हासिल करने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। देखिए ये तो बहुत बड़ी बात है। फ्रांस ने रविवार को मॉस्को में लुजिंकनी स्टेडियम में जिस प्रकार से ये मैच खेला था और जिस प्रकार से ये मैच जीता था वो काबिले तारीफ था। चलिए ये तो बात हुई फुटबॉल कप की। आपने सबने ये मैच ज़रूर देखा ही होगा, लेकिन बात करते हैं आज के हमारे बॉलीवुड प्रोग्राम की, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम होता है वो हिंदी बॉलीवुड का होता है, तो आप बॉलीवुड के मज़े लेने यहाँ पे आते हैं। तो चलिए बात करते हैं बॉलीवुड की दुनिया की। आज के हमारे प्रोग्राम में बात करने के लिए बॉलीवुड के सुपरस्टारों की हम बात करेंगे, और आज के प्रोग्राम में मैं क्या मसाला ले आई हूँ ये आपको बता दूँ। तो आज हमारे काका जी, हमारे इंडस्ट्री के जो काका जिन्हें हम कहते हैं सुपरस्टार राजेश खन्ना, जिनकी कल डेथ एनिवर्सरी है, तो इसके लिए हम उनको भरपूर याद करेंगे और ईश्वर उनके आत्मा को शांति दे, और हम बात करेंगे और उनके बहुत सारी गाने हम सुनेंगे। राजेश खन्ना जो हमारे पहले वाले सुपरस्टार थे, तो उनके हम गाने भी सुनेंगे, और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ब्यूटी क्वीन एंड स्टार नन अदर दैन कैटरीना कैफ, जिनका जन्मदिन था कल यानी कि 16 जुलाई को, और वो कितने साल की हो गई ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी ही, क्योंकि फैंस को इसका कोई झटका ना लगे, तो मैं बाद में बताऊंगी कि वो कितने साल की हो गई है। और आज हम जन्मदिन मनाएंगे हमारी प्यारी चुलबुली सी और बहुत ही सुंदर सी एक्ट्रेस, यानी कि हम जन्मदिन मनाएंगे प्रियंका चोपड़ा का। हाँ, तो ऐसी ही बहुत सारी मसाला और सारी चुलबुली सी बातें लेके मैं आई हूँ, और बहुत सारी बातें तो हमारी होती ही रहेंगी, लेकिन राजेश खन्ना जो हमारे इंडस्ट्री के सुपरस्टार थे, तो उनके लिए तो हमारे दिल में एक ख़ास मुकाम है, और मुझे पता भी है, क्योंकि वो ऐसे बड़े सुपरस्टार थे जिनके लिए लड़कियां मरा करती थी, उनके एक झलक के लिए लड़कियां तरसा करती थी। तो ये सब मैं आज आपको ज़रूर बताऊंगी, और उनकी बहुत सारी अनकही बातें शायद आपने कहीं सुनी ना हो, कहीं पढ़ी ना हो, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, कहीं मत जाइए और सुनते रहिए रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के। पूरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा, इशारे
खाली दर्पण था ये मन मेरा, रच गया रूप इसमें तेरा। चौदह पंद्रह सोलह ऐसे ही किस प्रकार हम गाया करते थे। जब हम ये गाना गाया करते थे, मैं बचपन में ऐसे ही गाया करती थी, लिख दिया नाम उस पे तेरा, चौदह पंद्रह सोलह। लेकिन ये तो मजाक की बात हो गई। लेकिन आज आपको तो पता चल गया होगा कि आज हम तड़का लगाएंगे, जी हाँ, राजेश खन्ना जी के ऊपर और उनके बहुत सारे गानों पर आज बहुत सारा तड़का भी लगेगा। और मैं आपको बता दूं कि उनकी सारी अनकही बातें जो आपने कभी शायद पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आराधना, सच्चा झूठा, कटी पतंग, हाथी मेरे साथी, महबूब की मेहंदी, आनंद, आन मिलो सजना, आपकी कसम जैसी बहुत सारी फिल्मों ने उनके सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे उस ज़माने में। और उनकी फिल्म थी आराधना, जिसमें गाना था, हाँ आपको पता ही होगा, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई बीती मस्तानी कब आएगी तू। ये जो गाना था उसने, और इस गाने ने स्पेशली उनके करियर का ये सबसे बड़ा हिट था और इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। तो आपको पता है, क्योंकि राजेश खन्ना तो हिट थे ही थे, लेकिन उनके साथ हिट थी वो जो जोड़ी, क्योंकि राजेश खन्ना हिट थे किशोर कुमार जी के साथ। तो किशोर कुमार की वो जो सुरीली आवाज़, उसका जो अंदाज़ है, वो तो मतलब क्या कहे उसके बारे में, जितना भी कहे वो कमी है। तो चलिए हम सुनते हैं एक गाना जो आपको पता ही है कि मैं अभी उस गाने के बारे में बात कर रही थी, और ये गाना आपके लिए हाजिर है। और ये गाना है, सुनिए, ये गाना आ गया किशोर कुमार की आवाज में, किशोर कुमार की आवाज में। और हम ऐसे लग रहा है कि माथेरान के रास्ते पे हमारी गाड़ी चल रही है, और शर्मिला टैगोर जो ट्रेन में बैठी है, और राजेश खन्ना उनके लिए ये गाना गा रहे हैं। और मजे लीजिए इस गाने के। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुक मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुक मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया हाथ चलिया। प्यार की गलियां, बागों की गलियां, सब रंग रलियां पूछ रही है। प्यार की गलियां, बागों की गलियां, सब रंग रलियां पूछ रही है, गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुक मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के
अजल के दूर से मिल के चैन आए और कब तक मुझे चढ़ पाएगी तू मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आए रुक मस्तानी कब आएगी तू बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया तू चलिया दिल का और किसी पे ये आ जाए क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए आ गया तो बहुत पछताएगी तू मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आए रुक मस्तानी कब आएगी तू बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया तू चलिया मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आए रुक मस्तानी कब आएगी तू बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया आ तू चलिया आ गई। अगर किशोर कुमार ने इतने प्यार से मुझे बुला ही लिया है तो मुझे आना ही पड़ा। हाँ हाँ, लेकिन मैं किसी सपनों की रानी नहीं हूँ। मैं हूँ आपकी आरजे ईरा और आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के। चलिए, बात निकली है राजेश खन्ना की, तो हम बात करते हैं उनके सी फेसिंग बंगले की। आपको पता है उस सी फेसिंग बंगले की भी एक स्टोरी है और आज मैं आपको वो स्टोरी बताऊंगी। ये बंगला था मुंबई में कार्टर रोड पे और उसका नाम आपने सुना भी होगा या शायद कई स्टोरी में पढ़ा भी होगा कि उसका नाम था आशीर्वाद। तो आशीर्वाद बंगले का पहले जो नाम था वो नाम था डिम्पल। और उसकी एक जो कहानी है मैं आपको बताती हूँ। कार्टर रोड पे जो ये बंगला था जो राजेंद्र कुमार जी ने 90,000 रुपये में ख़रीदा था, क्योंकि उस वक्त इस बंगले को कोई खरीदने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि ये बंगला हॉन्टेड बंगला के नाम से जाना जाता था। उसके आजू बाजू वाले सारे बंगले बिक गए, लेकिन ये बंगला कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं था। क्यों? कोई कारण पता नहीं था। लेकिन राजेंद्र कुमार जो हमारे जुबली कुमार थे, आपको पता ही है कि कुमार गौरव के जो पिताजी जुबली कुमार, राजेंद्र कुमार जिन्होंने अपने दोस्त मनोज कुमार को पूछा, उसके साथ मशवरा करके ये बंगला उन्होंने खरीद लिया और कुछ पूजा पाठ करके इसका नाम रख दिया डिम्पल। और डिम्पल बंगला इस प्रकार से बंगले ने राजेंद्र कुमार की जो किस्मत चमका दी, आपको तो पता ही है कि उसके बाद वो सुपरस्टार बन गए। राजेंद्र कुमार की हर एक फिल्म जो कि सिल्वर जुबली हिट हुआ करती थी, तो उनका शायद यही मन का कहना था कि ये इसीलिए था क्योंकि ये बंगले के कारण था और जो बंगले का नाम था डिम्पल। तो बाकी फिर ऐसे ही सिल्वर जुबली हिट होने लगी और राजेंद्र कुमार जी ने सोचा कि क्यों ना मैं एक और बंगला बना लूँ। तो पाली हिल में उन्होंने दूसरा बंगला बना दिया और उसका भी नाम रख दिया डिम्पल। तो अभी ये बंगला तो उन्हें बेचता था जो कार्टर रोड पर था। तो किसी प्रकार से ये बात राजेंद्र खन्ना जी के कान पर पड़ी और राजेश खन्ना जी ने क्या किया, वो चुपके चुपका से उनके यहाँ पर जा पहुँचे और उन्होंने पूछ लिया कि अगर आपको ये बंगला बेच नहीं है तो आप क्यों ना मुझे बेच दीजिए। राजेंद्र कुमार जी ने कहा, आपको अगर ये बंगला खरीदना ही है तो आपको मुझे 3,00,000 रुपए नकद देने पड़ेंगे, मैं बाद में तो नहीं लूंगा। तो अभी राजेश खन्ना तो नए फिल्म इंडस्ट्री में आए थे, उनकी हाल ही में एक दो ही फिल्म चली थी, तो इनके पास इतने पैसे भी नहीं थे। लेकिन इस वक्त उनकी मदद की यश चोपड़ा ने और फिर उन्होंने 3 फिल्में साइन कर ली। राजेश खन्ना ने 3 फिल्में साइन कर ली और 3 फिल्मों के पैसे उन्हें मिल गए जो 3 लाख थे। 3 लाख उस ज़माने में बहुत बड़ी रकम थी। मैं बात कर रही हूँ 1969-75 के ज़माने की, तो उस ज़माने में 3 लाख भी रकम बहुत थी। और 3 लाख की ये रकम लेके ये राजेंद्र कुमार जी के पास पहुँचे और बंगला ख़रीद लिया। लेकिन
राजेंद्र कुमार जी ने और एक शर्त डाल दी। उन्होंने कहा कि बंगला तो ठीक है, लेकिन नाम तो मैं डिंपल नहीं रखने दूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेरा जो दूसरा बंगला है जो पाली हील में बना है उसका नाम मैंने डिंपल रख दिया है, तो फिर क्या करें। तो राजेंद्र कुमार जी ने तो ये जो शर्त डाल ही दी थी, तो राजेश खन्ना ने कुछ पूजा पाठ करके इस बंगले का नाम रख दिया आशीर्वाद। और आशीर्वाद ने इस प्रकार से राजेश खन्ना की किस्मत खोल दी। आपको तो पता है कि वो इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए। जी हाँ, ये बंगले की पूजा है या कुछ है पता नहीं मुझे, लेकिन जो कुछ भी है, लेकिन इस बंगले का कमाल ज़रूर है क्योंकि दो सुपरस्टार हमारे इंडस्ट्री को मिले। लेकिन राजेश खन्ना पूरी ज़िंदगी उसी बंगले में रहे, लेकिन जब उनका देहांत हुआ 2012 में, तो उनके बाद उनकी ऐसी इच्छा भी थी कि वो बंगला उनकी बेटियां ना बेचे और वो बंगला रहे और फिर उसका म्यूज़ियम बने, लेकिन पता नहीं कुछ हो गया, फिर उनकी बेटियों ने, उनकी फैमिली ने वो बंगला बेच दिया किसी बिल्डर को। अब तो लास्ट ईयर ऐसे सुनने भी आया है कि वो बंगला गिरा दिया गया आशीर्वाद, जो बहुत जिसमें हमारे सुपरस्टार रहे थे, वो बंगला गिरा दिया गया और अभी तो वहाँ पे एक ज़मीन का टुकड़ा रह गया है और जल्द ही वहाँ पे कुछ मॉल या कोई बिल्डिंग बनने वाली है। तो हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं, अब तो ये सिर्फ बंगला सिर्फ यादों में ही रह गया है। लेकिन राजेश खन्ना को हम अगर याद ही कर रहे हैं तो क्यों ना बहुत ही अच्छे ढंग से उन्हें याद किया जाए। और अगर इसी प्रकार उनको याद करते हैं तो उनका एक प्यारा सा गाना जो मुझे बड़ा पसंद है, भांग पी के, कोई कितने प्यार से मुमताज के साथ कैसे डांस किया था उन्होंने, और मूवी थी आपकी कसम। चलिए ये गाना सुनते हैं, तब तक मैं भी थोड़ी भांग पी लूँ, झूम लूँ, और आपको भांग नहीं मिली तो चाय पी लीजिए, नहीं तो और कुछ भी पी लीजिए, झूमिए जरूर। जी हाँ, जय जय शिव शंकर, काटा लगे न कंकर, जय जय शिव शंकर, काटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी।
जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, जो तूने मुझे थाम लिया ओ सौरभ दी। जी हाँ, जो तूने मुझे थाम न लिया तो सौरभ दी। ये थी हमारी मुमताज, जो आपकी कसम फिल्म में राजेश खन्ना के साथ भांग पी के जो नाची जो गाई, आहा हा हा, मजा आ गया। वैसे आपको पता है राजेश खन्ना का असली नाम क्या था? उनका असली नाम था जतिन खन्ना। सुपरस्टार राजेश खन्ना को उनके चाचा चुन्नी लाल खन्ना ने गोद लिया था, क्योंकि उनके माता पिता उनका पालन पोषण करने के लिए असमर्थ थे। अपने अंकल के ही कहने पर उन्होंने नाम बदल के राजेश खन्ना कर दिया था और वो बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए थे। उन्होंने फिल्म फेयर द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में भाग लिया था, क्या आपको ये बात पता है? और जिसमें 10,000 में से 8 लड़के चुने गए थे और उनमें से राजेश खन्ना को विजेता घोषित कर दिया गया था। हाँ भाई, क्योंकि हमें एक इतना बड़ा सुपरस्टार जो मिलने वाला था, तो ये तो वाकई है ही, क्योंकि ऐसा होना ही चाहिए था। और उस दौर पे जब वो पैदा हुए थे ना, तो ज़्यादातर लोग तो मतलब ऐसे नाम रखते थे कि जतिन या कुछ ऐसे बड़े बड़े या भगवान के नाम रखा करते थे, लेकिन इनके वक्त ये राजेश, ये कुछ अलग नाम था, लेकिन फिर भी उनके चाचा ने ये नाम रखा था। लेकिन जब राजेश खन्ना सुपरस्टार बने थे तब क्या हुआ था? लोगों ने अपने बच्चों के नाम बदल के राजेश रख दिए थे, क्योंकि हर एक को लगता था क्योंकि मेरा भी राजेश आगे बन के सुपरस्टार बन जाएगा। लेकिन क्या ऐसे हो सकता था या नहीं हो सकता था, हम इस बारे में कैसे बात कर सकते हैं, क्योंकि राजेश तो एक ही था जो राजेश खन्ना था। राजेश खन्ना फिल्म में आने से पहले इतने अमीर थे क्योंकि उनके चाचा चुन्नी लाल बहुत अमीर थे, और जब ही वो निर्माताओं के घर दफ्तर उनके जब जाया करते थे फिल्म मांगने के लिए, तो वो स्ट्रगलर होने के बावजूद भी इतनी महंगी महंगी कारों में से कार में से वो घूमा करते थे और निर्माताओं के घर जाया करते थे कि बाकी उस वक्त जो हीरो थे उनके पास भी वैसी कार नहीं थी। भाई वाह, राजेश खन्ना के तो ठाट ही अलग है। और लड़कियों के भी, अच्छा चलिए एक काम करते हैं, एक फ़ोन आ रहा है, ओके हम बात करेंगे। लेकिन लड़कियों के बीच तो राजेश खन्ना तो वैसे ही बहुत ही लोकप्रिय थे। लड़कियां तो उन्हें खून से खत लिखा करती थी, उनकी फ़ोटो से कई लड़कियों ने शादी भी कर ली थी, और कभी कभी ने तो किन किन लड़कियों ने तो अपने हाथ पे भी राजेश नाम गुनवा लिया था। कई लड़कियां उनके फ़ोटो तक अपने बैग में रखा करती थी। हाँ, ये तो कोई आम बात नहीं है, ऐसे तो होता ही रहता सुपरस्टार के साथ, लेकिन उस ज़माने में ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन चलिए, आपको ये पता है कि उनकी सफ़ेद रंग की कार थी, एक सफ़ेद रंग की बड़ी सी कार में वो आया करते थे, और लड़कियां उनकी कार को इस तरह से चूमती थी और लिपस्टिक के निशान उस पर पड़ जाते थे, इस लिपस्टिक के ऐसे निशान उस पर पड़ जाते थे कि पूरी गाड़ी गुलाबी हो जाती थी। क्या आपको ये बात पता है? चलिए इस बात पर सुनते हैं हमारे काका जी का एक प्यारा सा गाना, गुलाबी आंखें कर देते हैं सब कुछ गुलाबी गुलाबी। तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। मेरे ख्वाब तेरे तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा
मैं क्यों हुआ आता है गुस्सा मुझे प्यार पे मैं लुट गया मान के दिल का कहा मैं कहीं का ना रहा क्या कहूँ मैं दिल रुबा बुरा ये जा तू तेरी आंखों का ये मेरा कातिल हो गया गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया सदा चाहा यही दामन बचा लूं हसीनों से मैं तेरी कसम ख्वाबों में भी बजता फिरा नाज़नीनों से मैं तौबा मगर मिल गई तुझसे नजर मिल गया दर्द जिगर सुन जरा ओ बेखबर जरा सा हंस के जो देखा तूने मैं तेरा बिस्मिल हो गया गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया संभालो मुझको ओ मेरे यारो संभलना मुश्किल हो गया जी हाँ संभालो मुझको ओ मेरे यारो संभलना मुश्किल हो गया। तो ये था हमारे काका जी का इंटरव्यू। गाना चल रहा था तो इसमें बीच में फ़ोन भी आ गया था लेकिन क्या करें, काका जी हमारे जो राजेश खन्ना जी है इनका ये ऐसे सुपरस्टार है कि सुपरस्टार के लिए तो फ़ोन आते ही रहेंगे। चलिए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आप सुन रहे हैं 91.1 FM पूरा तड़का लगा के रेडियो मनपसंद। कम्युनिटी अनाउंसमेंट की बात करते हैं। स्कूल हॉलीडेज़ की बात चल रही है तो विष्णु शिवा मंदिर मौसम में एक ह्यूमन वैल्यूज कैंप आयोजित किया गया है 5 साल से लेकर 15 साल के बच्चों तक। बच्चों के लिए इसका एक आयोजन 20 जुलाई से शुक्रवार विंटर स्कूल हॉलीडे के कैंप के नाम से किया गया है। इसमें आपके बच्चों के लिए मेडिटेशन, योगा, स्तोत्र, भजन और बहुत सारी खेल की एक्टिविटी भी रहेगी। सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक बच्चे भरपूर इसका आनंद ले सकते हैं। इसके लिए जो शुल्क रखा गया है वो सिर्फ $20 है, जिसमें वेजिटेरियन खाना भी इंक्लूडेड है। और इसके रजिस्ट्रेशन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं विष्णु शिवा मंदिर के पंडित जी को, जिनका नंबर है 04-31-226-337, या फिर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं श्री थामो जी को 04-04-523-849 पर, या आप इसकी सारी जानकारी आप रेडियो मनपसंद के फेसबुक पेज पर भी ले सकते हैं। हर साल की तरह इस साल भी पंजाबी टच एंटरटेनमेंट आपके लिए ले आया है तिया कैनबरा दिया, एंटरटेनमेंट से भरा हुआ और एक रंगारंग कार्यक्रम जो कि होने जा रहा है 28 जुलाई को 12 बजे से 5 बजे तक फ्लिन कम्युनिटी हब हॉल में। जी हाँ, याद रखिए ये ओनली लेडीज़ ओनली इवेंट है, तो मर्दों के लिए इस कार्यक्रम में दरवाजे तो पूरे बंद है, इसके लिए कोई जगह नहीं है। तो आप इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं और इसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर है 04-90-303-850 पर। गोपियो मतलब ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन कैनबरा आपके लिए ले आया है सावन तीज फेस्टिवल, जो कि होने जा रहा है 28 जुलाई को ही, यानी कि शनिवार को 5:30 बजे से 9:30 बजे तक। थियो नटारस मल्टीकल्चरल सेंटर 180 लंदन सर्किट कैनबरा सिटी में। और इसमें मीट एंड ग्रीट लेडीज एम्पायर वुमेन कार्यक्रम के अंतर्गत गोपियो द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, यानी कि यह प्रोग्राम ओनली फॉर लेडीज़ ही है, जेंट्स इसमें ना जाए। इसमें डांस, म्यूज़िक, ढोल, गेम, भांगड़ा और बहुत सारे रंगारंग कार्यक्रम रहेंगे। अगर आप इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आभा गुप्ता जी को, उनका नंबर है 04-13-300-807,
या फिर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दीपाली जैन जी को और उनका नंबर है 0411565734। और जल्द ही हमारे साथ दीपाली जैन जुड़ने वाली है और हमारे साथ वो बातचीत करेगी, तो आपको इस प्रोग्राम की, ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन गोपियों की तरफ से, जिसका नाम है सावन तीज फेस्टिवल, उसकी पूरी जानकारी आपको जल्द ही मिल जाएगी। चलिए, जब एंटरटेनमेंट की बात चल रही है तो बॉलीवुड कैसे पीछे रह सकता है। चलिए बात करते हैं बॉलीवुड की। कैनबरा स्कूल ऑफ बॉलीवुड डांसिंग अपनी 12वीं एनिवर्सरी मना रहा है, जिसमें एक डांस कॉन्सर्ट भी होने वाला है, वन नाइट इन बॉलीवुड। शनिवार 28 जुलाई एरिंडल थिएटर पे 6:30 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें बहुत सारे बॉलीवुड डांस रहेंगे और इसके टिकट के लिए $30 और $25 इसकी टिकट है। और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको www.trybooking.com/vtkq और www.canberrabollywood.com.au पर भी मिल सकती है, या फिर आप इसकी सारी जानकारी ले सकते हैं हमारे रेडियो मनपसंद के फेसबुक पेज पर। तो अगर आपने रेडियो मनपसंद के फेसबुक पेज पर अपना लाइक या अंगूठा नहीं दिखाया है तो वो लाइक या अंगूठा दिखा दीजिए और फिर आपको ये सारी जानकारी मिलती रहेगी, घर बैठे आप इन सारी चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। चलिए, बॉलीवुड की बात निकली है तो क्या आपको पता है बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ का कल जन्मदिन था। 16 जुलाई 1983 को जन्मी कैटरीना ने अपने फिल्म करियर की शुरुआत बूम मूवी से की थी, लेकिन उनकी डेब्यू फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। मैंने प्यार क्यों किया, नमस्ते लंदन जैसी फिल्मों के लिए कैटरीना सुर्खियों में आई और उन्होंने दोबारा पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उसका कारण भी था, सलमान खान के साथ उनकी दोस्ती हमेशा लाइमलाइट में रही है। सलमान ने एक्ट्रेस के करियर को नई दिशा देने की महत्वपूर्ण भूमिका ऑलवेज निभाई है, या कैटरीना हो या फिर ऐश्वर्या हो या फिर कोई और। आज कैटरीना की गिनती इंडस्ट्री के टॉप और सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले एक्ट्रेस में हो रही है, ये बात आपको पता है। चलिए, मुंबई की भीड़भाड़ से दूर कैटरीना ने अपना जन्मदिन इंग्लैंड में अपने करीबी लोगों के साथ मनाया। वैसे देखा जाए तो सुंदर लड़कियों की उम्र का तो ऐसे पता ही नहीं चलता, और ये अच्छी बात भी नहीं है कि हम सुंदर लड़कियों की उम्र पूछें, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कैटरीना कैफ के जो फैंस हैं उनको मैं एक बड़ा सा धक्का दे दूँ और बता दूँ कि कैटरीना कैफ कल ही 35 साल की हो चुकी है, फिर भी वो इतनी सुंदर है कि वो लगती तो 16 साल की है। पता नहीं वो संतूर साबुन यूज़ करती है या लक्स। कैटरीना को उसके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए चलिए सुनते हैं उसका एक प्यारा सा गाना। कहीं नहीं जाइए, 91.1 पे सुनते रहिए रेडियो मनपसंद पूरा डड़का लगा के।
अदिति का परिवार सोचता है कि जल सेना में जाने का उसका निर्णय करियर की दृष्टि से एक कृत्रिमतापूर्ण चयन था, क्योंकि उनको ये पता लगा कि जल सेना में उसका इंजीनियरिंग का शिक्षण और प्रशिक्षण ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स के अलावा अन्य बहुत सारे उद्योगों में भी मान्य है। उनको ये भी पता लगा कि उनकी बेटी को अपने करियर में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिलेंगे और अदिति को एक ऐसा फलदायक करियर मिला है जिस पर उन सबको गर्व है। आप खुद पता लगाएं defensejobs.gov.au/family पर उनकी पूरी कहानी देखें। चलिए ये थी कमली 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 कमली। हाँ, ये थी कैटरीना कैफ जो अपना 35वां जन्मदिन मना रही है। हैप्पी बर्थडे कैटरीना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे ईरा और आप सुन रहे हैं अपना मनचाहा और पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है रेडियो मनपसंद 91.1 FM पूरा तड़का लगा के। अभी अभी कुछ देर पहले मैं सावन तीज फेस्टिवल की बात कर रही थी जो गोपियों की तरफ से मनाया जा रहा है। गोपियों मतलब ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन कैनबरा की तरफ से ये मनाया जा रहा है। चलिए, हमारे साथ लाइन पे मौजूद है दीपाली जैन जी, और दीपाली जैन से हम बात करते हैं और जानते हैं बहुत सारी बातें। हेलो दीपाली जी। हेलो इला जी। हाँ, वेलकम रेडियो मनपसंद में, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन कैनबरा चैप्टर की तरफ से सभी सुनने वालों को नमस्कार कहना चाहूंगी। जरूर जरूर। चलिए, मैं आपको पूछती हूँ क्योंकि हमारे लिसनर जो सुन रहे हैं उन्हें बहुत उत्सुकता है, तो आप बताइए ये तीज का जो उत्सव है वो क्या है और ये क्यों मनाया जाता है, और आप बताइए कि देश के किन प्रदेशों में ये उत्सव मनाया जाता है। तीज जो है मुख्य रूप से भारत के पश्चिमी और उत्तर हिस्सों में मनाया जाता है और ये नेपाल में भी मनाया जाता है, और इस साल ये 13 अगस्त को बड़ी धूमधाम से भारत और नेपाल के कई हिस्सों में मनाया जा रहा है, जैसे कि मैंने कहा कि उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में मनाया जा रहा है। तीज महोत्सव जो है तीन मुख्य कारणों से मनाया जाता है। पहला कारण उसका तो जो ये है कि वो मॉनसून का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है, और दूसरा जो वेरी बहुत ही जो है मुख्य कारण इसका जो है, जो देवी पार्वती और भगवान शिव के संघ को समर्पण को ये बेसिकली दर्शाता है कि ये जो है ना, और जो चौथा कारण है कि वहाँ पे जो फसल कटती है और फसल आने की खुशी में ये इस तीज त्योहार को मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से वहाँ पे जो है ना। अच्छा। तो उसी के उपलक्ष में हम लोग जो है गोपियों हरियाली यहाँ पे कैनबरा में जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अच्छा, यही मुझे पूछना था कि गोपियों जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन कैनबरा है, ये तीज का ही उत्सव क्यों मना रही है, इसके पीछे कोई खास कारण है? हाँ, इसके पीछे बहुत ही खास कारण ये है कि गोपियों जो है बहुत ही अच्छी तरीके से इंडियन कम्युनिटी में इन्वॉल्व है, और उसने ये आसपास देखा कि बहुत सारी इंडियन फैमिलीज के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस का एक बहुत बड़ा इशू है, और उसमें सबसे ज्यादा जो मतलब प्रभावित है वो है महिलाएं, और वो महिलाएं बिकॉज वो भारत से आती हैं, उनके लिए यहाँ नया होता है तो वो कुछ किसी को जानती नहीं है, और ये इश्यू काफी लार्ज स्केल पे यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है, और गोपियों इसी संदर्भ में जो है बहुत सारे डिस्कशन हो चुके हैं, उन्होंने काफी प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किए हैं इस संदर्भ में। तो जो ये हरियाली तीज मनाया जा रहा है ये जो है एक जो महिलाओं को जो है ना एकत्रित करके एक नेटवर्किंग इवेंट है, ये केवल महिलाओं के लिए ही नहीं है, ये जो है पूरी फैमिली के लिए है, इसमें बच्चे जो है अदर मैन और सब लोग इन्वॉल्व हैं। तो हम इस प्रोग्राम के थ्रू जो है हम कल्चरल प्रोग्राम कर रहे हैं, डांस सिंगिंग ढोलक गेम्स, ताकि महिलाएं आपस में वहाँ मिल सकें, और जो है वहाँ पे और भी बहुत लोग होंगे, जैसे व्हाइट रिबन एक ऑर्गेनाइजेशन है और बियॉन्ड ब्लू ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे उनके जो है नॉमिनेटेड पीपल होंगे। अगर कोई महिला सेफ फील करती है और उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस का कोई इशू है तो वो वहाँ पे बात कर सकती है। तो बेसिकली ये मेनली नेटवर्किंग इवेंट
महिलाओं के लिए है, और दूसरी बात जो है गोपियों इसलिए भी ऑर्गेनाइज कर रहा है उसका, जैसे कि शीर्षक है कि एम्पावर वुमेन, महिलाओं को सशक्त बनाना, बेसिकली सशक्त बनाने में ये है कि वो किस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस को कम कर सकता है, किस तरह से महिलाएं आगे आए और जो है ना इस बारे में बात करें और इस इश्यू को थोड़ा सा मिनिमाइज किया जाए। और ये मैं ईरा जी थोड़ा सा इस प्रोग्राम के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि डिटेल थोड़ी। हाँ, यही मुझे पूछना था कि 28 जुलाई को जो आपका प्रोग्राम हो रहा है उसमें आप क्या आयोजित किया है और क्या करने वाले हैं? हाँ जी, इस प्रोग्राम में जो है बहुत सारे बच्चे, महिलाएं और इवन मैन भी जो है ना, आदमी भी, पुरुष लोग भी इसमें गाना कर रहे हैं और कल्चर एक्टिविटीज कर रहे हैं, गेम्स कर रहे हैं, जो है पोलक है और उसके साथ प्राइजेस भी हैं। अच्छा। तो जैसे कि आपने कहा कि ये 28 जुलाई सैटरडे को 5:30 से 9:30 बजे तक है, और ये द नोटोरियस मल्टी कल्चर सेंटर में है जिसका एड्रेस 180 लंदन सर्किट है। और ये प्रोग्राम जो है हम ACT गवर्नमेंट की सपोर्ट से कर रहे हैं और हमने काफी बहुत ही इसकी कम फीस रखी है एंट्री, ताकि हम जो उसके सारे खर्चे को थोड़ा सा सहन कर सकें जो है ना। तो यही एक तरीका गोपियों को बेहतर लगा कि किस तरह से महिलाएं आपस में मिलें, अपने इश्यूज के बारे में डिस्कस करें, थोड़ा फन भी करें, और अगर कोई उस अच्छे माहौल में क्या होता है कि महिलाएं थोड़ा खुल जाती हैं, हो सकता है वो बात कर पाए इस बारे में। तो गोपियों का यही एक मकसद है कि वो जो है ना विमेन नेटवर्किंग को और डोमेस्टिक वायलेंस को जो है ना टारगेट करके और इस तरह की पीड़ित महिलाओं की हेल्प कर सके जो है ना। बराबर, और बराबर। इसकी केवल $5 एंट्री फीस है और बाकी सब प्रोग्राम जो है अभी हम लोग काफी मेहनत करने में लगे हुए हैं नाचने और गाने में, तो काफी मजा आ रहा है, लेकिन वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि इसका जो मेन मकसद है इस हरियाली तीज के थ्रू जो हम पूरा कर सकें 5 जुलाई। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, सभी से निवेदन है, कृपया प्लीज आप लोग आगे आइए और इसको जो है पूरा पूरा जो है ना सपोर्ट कीजिए, एंड आप लोगों को आई एम श्योर कि काफी मजा आएगा और आप इंजॉय भी करेंगे। और आपको अगर कोई जानकारी चाहिए होगी तो वो हमारे वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो आप जरूर गाइड कर पाएंगे डेफिनेटली। जरूर जरूर। दीपाली जी थैंक यू हमारे साथ फोन पे जुड़ने के लिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे लिसनर्स को आपका ये इंटरव्यू, इनसे बहुत सारी जानकारी भी मिली होगी, और ये जरूर जो 28 जुलाई को ये प्रोग्राम हो रहा है आपको कांटेक्ट करेंगे और जरूर आएंगे, और ये बहुत अच्छा कॉज जो आप कर रहे हैं गोपियों की तरफ से, तो आपके इसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूं मैं। और चलिए थैंक यू, और इसी प्रकार हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी, सॉरी, मैं जो है लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी आने का प्लान कर रहा है अगर वो RSVP कर दें तो हमारे लिए बहुत ही सहूलियत हो जाएगी। जरूर। और RSVP का ईमेल एड्रेस है gopio.event.coordinator@gmail.com। जरूर, gopio.event.coordinator@gmail.com। जरूर जरूर। और जो भी है और या आपसे भी संपर्क कर सकते हैं, आपका नंबर भी आपने दिया हुआ है तो आपसे भी संपर्क कर सकते हैं लोग। और चलिए थैंक यू दीपाली जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप ऐसे ही हमारे प्रोग्राम सुनते रहिए और तड़का लगाते रहिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू राजीव, बाय बाय। चलिए, ये थी हमारे साथ दीपाली जी थी जो बात कर रही थी कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है 28 जुलाई को, इसके बारे में उन्होंने जो जानकारी दी तीज के प्रोग्राम के बारे में। लेकिन चलिए, अब वुमेन एम्पावरमेंट की ही बात अगर दीपाली जी कर ही रही है तो एक बहुत ही तगड़ी वुमेन का बर्थडे भी है, ये हम कैसे भूल सकते हैं। बर्थडे है प्रियंका चोपड़ा का, जो कल 18 जुलाई 1982 में वो उनका जन्म हुआ था, और 18 जुलाई मतलब कल वो अपना जन्मदिन मनाएगी। चलिए लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, क्योंकि अभी अमेरिका पहुंची हमारी प्रियंका चोपड़ा को, हम सुनते हैं कुछ देसी अंदाज से। Oh, oh, oh.
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रियंका चोपड़ा की, जिन्होंने जो कल अपना जन्मदिन मनाएगी झारखंड में, झारखंड के जमशेदपुर में जन्मी प्रियंका चोपड़ा अपनी प्रतिभा के जरिए बॉलीवुड की अपनी एक अलग पहचान उन्होंने बनाई है। उनके पिता अशोक चोपड़ा और माता मधु चोपड़ा इंडियन आर्मी में फिजिशियन थे। 13 वर्ष की उम्र में अपनी चाची के घर प्रियंका यूनाइटेड स्टेट्स पढ़ने चली गई और इन्होंने अपनी 12वीं क्लास में मिस इंडिया का खिताब जीता था और उसके बाद सन 2000 में मिस वर्ल्ड बनी थी और उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में अपना कदम रखा था। प्रियंका चोपड़ा तो वैसे ही मॉडलिंग, एक्टिंग और सिंगिंग के अलावा भी बहुत सारे काम करती है। उनकी लेखन प्रतिभा भी लाजवाब है। क्या आपको पता है उन्होंने 2009 में हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल लिखना शुरू किया था और बहुत सारी उसमें सफलता भी उन्हें मिली थी, जिसका नाम था द प्रियंका चोपड़ा कॉलम। प्रियंका चोपड़ा एक सामाजिक संस्था भी चलाती है और अपनी कमाई का 10% इस संस्था को वो देती है और बहुत सारी लड़कियों की जो जिन्हें शिक्षा भी नहीं मिलती, ऐसी सारी लड़कियों की भी वो मदद करती है। भाई वाह प्रियंका, आप तो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है वुमेन एम्पावरमेंट का। लेकिन अगर वुमेन एम्पावरमेंट की ही बात की जाए तो मुझे याद है प्रियंका चोपड़ा ने जो एक बायोपिक की थी जो मंगटे चुंगने जंग, यानी कि मेरी कौम की जीवन पर आधारित उन्होंने जो ये भूमिका की थी वो वाकई काबिले तारीफ थी, क्योंकि इसमें उन्होंने बहुत मेहनत की थी और बहुत मेहनत, क्योंकि मेहनत तो करनी थी, क्योंकि मेरी कौम जो कि हमारी भारत के मणिपुर या चांदपुर जिले की जिले से है और मेरी कौम 5 बार विश्व बॉक्सिंग में चैम्पियन रह चुकी है और 6 विश्व चैम्पियनशिप में हर एक में उन्होंने मेडल जीता है, ऐसी वो पहली बॉक्सर महिला है। क्या आपको पता है साउथ कोरिया के आशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली वे पहली भारतीय महिला बॉक्सर है और इस भरी वुमेन एम्पावरमेंट से भरी इस औरत जिसका नाम था मेरी कॉम, जिसकी भूमिका हमारी प्रियंका चोपड़ा ने बाखूबी भी निभाई थी और जिसमें उन्होंने काम भी किया था, जिस प्रकार से उन्होंने वो एक्सरसाइज करके, वर्जिश करके, जिस प्रकार से उसने वो बॉक्सर गर्ल की भूमिका निभाई थी वो वाकई काबिले तारीफ थी। लेकिन जाते जाते हमारे ऑस्ट्रेलिया में एक बार प्रियंका चोपड़ा आई थी और उन्होंने हमारे रेडियो मनपसंद को भी बहुत सारी शुभकामनाएं दी थी। चलिए सुनते हैं क्या कहा था। हेलो ऑस्ट्रेलिया, दिस इज प्रियंका चोपड़ा, यू आर लिसनिंग टू द रेडियो मनपसंद। जी हाँ, ये थी देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा, जिन्होंने हमें बहुत सारी शुभकामनाएं भी दी थी। और चलिए बात करते हैं और बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं प्रियंका चोपड़ा को उनके जन्मदिन पर। वैसे तो हमारे अभी जाने का टाइम हो गया है, क्यों ना हमें 10-15 मिनट और मिल जाते तो हम बहुत सारी बातें और भी कर सकते थे। लेकिन अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं और मेरी कॉम की बात निकली है, प्रियंका चोपड़ा की बात निकली है, तो हम कैसे भूल सकते हैं भारतीय रेसर हिमा दास को। हिमा दास ने हाल ही में, मतलब लास्ट ही वीक, उसने भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर पीटी उषा और मिल्खा सिंह के सारे रिकॉर्ड अब तोड़ दिए हैं। फिनलैंड की धरती पर उसने एक नया इतिहास रचा है और यह हमारे देश की पहली ऐसी महिला बन गई है जिन्होंने IAAF विश्व अंडर 20 में एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 400 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान हासिल किया है। चलिए हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और चलिए हमारा जाने का टाइम हो ही गया है तो हम आपसे अलविदा कहते हैं और बाय बाय कहते हैं और एक आपको गाना सुनाते हुए हम निकलते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे और हम मिलेंगे आपसे संडे 10 बजे से 12 बजे तक। चलिए अलविदा कहते हैं, बाय बाय, खुदा हाफिज़, शुभ रात्रि। राजेश खन्ना का ये गाना आपके लिए सुनाते हुए जा रही हूँ। अच्छा तो हम चलते हैं। आता जाता नहीं।